इस वीडियो में किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाई गई है, ना उन पे किसी भी प्रकार का अत्याचार किया गया है। वीडियो में कही बातों को सच मान के अपने चेहरे का सबसे बड़ा छेद ना खोल ले, अब दूसरों के सामने चूतिए नजर आएंगे। बाकी ये वीडियो निंटेंडो के हाथ लग गई तो वो लोग मुझे कभी भी सू कर सकते हैं, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो पूरी देखे। कांतो रीजन के 150 पोकेमोन को लेकर अपना भयानक नॉस्टैल्जिया है। मैं अपनी जिंदगी में कभी पीरियोडिक टेबल नहीं रट पाया, लेकिन ये मुझे मुंह जुबान ही रटे थे। तो आज की वीडियो में मैं इन 150 पोकेमोन्स पे टिप्पणी दूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने स्टार्टर्स देखते हैं। हमारे पास तीन चॉइसेस रहती है, बल्बासोर, चारमेंडर और स्क्वाटर। तो एक एक करके ब्रेक डाउन करता हूँ। बल्बासोर मेरा फेवरेट स्टार्टर है क्योंकि मैंने बचपन में वो कहानी देखी थी जिसमें एक लड़की मेंढक को चूम देती थी और वो सुंदर लौंडा बन जाता था। वैसे अगर ये बल्बासोर मेंढकनी के अंदर सुंदर सी लड़की होगी तो मिस्टरी बरकरार रहती है। और फिर अगर तुम्हें इमरजेंसी राशन चाहिए होगा तो तीनों में से ये बेस्ट है क्योंकि ये खुद तो है ही, साथ में हरा प्याज भी लेके आया है तो वेज नॉन वेज दोनों का पेट भरेगा। गलती से विकसित हो गया तो प्याज की जगह ये फूल गोभी भी लेके आ जाएगा, और ज्यादा विकसित हो गया तो पूरा पूरा पेड़, गमला सब इसके ऊपर रख के चल सकते हैं। तो हर तरफ से फायदे फायदे। चारमेंडर, ये लाल जलते पूछ वाला छिपकला ज्यादातर लोगों का फेवरेट स्टार्टर पोकेमोन होता है, लेकिन किसी को इससे कोई फर्क नहीं है। सबको इसके 18 प्लस होके ऐसे मुस्टंडे बनने का इंतजार होता है जिससे अब वो इसको राइड करके जन्नत की सैर कर पाए। इसके टीनेज इयर्स में भी इसे कोई भाव नहीं देता, इसलिए पहले ऐसा क्यूट सा दिखता था, फिर एजीएनएमएस देख के ऐसा हो गया है। इस स्टार्टर के भी काफी काम है। सबसे पहले तो तुम्हारी बिजली बचा लेगा ये, और दिवाली में माचिस भी कम बर्बाद होगी। स्क्वाटल, एडल्ट मूवीज के फैन के लिए ये फेवरेट स्टार्टर पोकेमोन है क्योंकि नाम में ही इसके स्क्वाट। इसे पालने में तुम्हें बस ये दिक्कत हो सकती है कि बड़े होने पे ये अपने शेल के अंदर इलीगल वेपन्स रखने लगता है, तो तुम्हें गवर्नमेंट से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। बाकी घर में मोटर की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पानी का धंधा भी चालू कर सकते हो, और बेस्ट बात एक स्क्वाटल को लेके अपने बाथरूम में रख लो, फ्लश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने तुम्हें तीनों स्टार्टर्स पोकेमोन के प्रोस और कॉन्स बता दिए, आगे तुम लोग खुद से चूज कर लो। अब तुम्हें मैं और पोकेमोन की वैरायटी दिखाता हूँ, सब सस्ते में मिलेंगे। हमारे पास दिल दो है जिसके बीच में दाने भी लगे हुए हैं फॉर मोर आनंद। फिर हमारे पास बूमर आएंगे, हमारे पास एक तितली है जिसका नाम बटर फ्री है, लेकिन ये ना तुम्हें बटर देगी ना हम तुम्हें इसे फ्री में देंगे। हमारे पास दिल दो 2.0 है जिसमें इस बार दाने थोड़े ज्यादा बढ़ा दिए है, साथ में नुकीला हेड भी दे दिया है उनके लिए जिन्हें बेड में कुछ एडवेंचरस चाहिए हो। हमारे यहाँ के बादाम भी टाई लगाते हैं। काफी लोगों को शिकायत थी कि बरैया के डंक के दर्द में अब वो मजा नहीं आता, तो हमने हमारी बरैया के हाथों में ड्रिल मशीन लगा दी है, अब मजा चाहे ना आए दर्द तो पक्का होगा। हमारे पास चिड़िया है जिसे अपने बाल काटना नहीं पसंद, बैगनी चूहा है, गुसैल छचुंदर है, एक और चिड़िया है जिसके उम्र के साथ गर्दन में पोलियो हो जाता है। हमारे पास बैगनी लेड़ है जिसके सर भी मौजूद है जिससे लेड़ अपने आप को खाके डीकम्पोज हो जाए। एक इच्छाधारी नागिन है, ये ब्लश करता छचुंदर है जो इतना शर्मीला है कि बड़ा होने के बाद भी ब्लश करना नहीं छोड़ा। ये फुटबॉल है जो खुल भी जाती है, फिर फुटबॉल ने सड़े पत्तों का चोगा बना के पहन लिया और इतना लथेड़ा गया कि डिफेंस के लिए अपने नाखून भी लंबे कर लिए। अब तुम्हें दिखाते हैं हमारे गेंडे की वैरायटी। तो ये पहले पोकेमोन से जिसमें जेंडर डाइवर्सिटी है, इन दोनों का नाम नीडोरान है, लेकिन तुम कैसे पहचानोगे कौन फीमेल है कौन मेल? आसान तरीका है कि लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक होता है ना, तो इसलिए यहाँ पिंक वाला मेल है और ब्लू वाली फीमेल है। तो मैं उम्मीद करता कि तुम्हें ये याद रहेगा, अगर फिर भी ना याद रहा तो उससे भी आसान तरीका ये है कि फीमेल वाली जमीन में बैठ के मुंह खोली होगी। मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंफ्यूज होने वाला है। क्लीफेरी, इसकी प्रजाति अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही तो इसके नाम के संधि विच्छेद करो, क्ली प्लस फेरी, जिसमें से क्ली का मतलब क्लीवेज है, तो ये क्लीवेज वाली फेरी है। लेकिन तुम देख सकते कि ये अकेले है और क्लीवेज पूरा नहीं बन पा रहा, तब इसके नाम में सिर्फ क्ली रखा गया है। क्लीफेबल, ये पिछली क्लीवेज वाली परी का अदर हाफ है और रियल लाइफ की तरह एक का साइज बड़ा है, तो तुम्हें जिसे लेफ्ट या राइट में रखना है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रख लेना। हमारे यहाँ के हेयर स्टाइलिस्ट लोमड़ियों के बदन के किसी भी हिस्से के बालों में कर्ल्स कर लेते हैं, बाकी तुम्हें पफ चाहिए तो वो भी हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ नारुतो के कुरामा की पत्नी भी सेल में है, लिमिटेड ऑफर में है क्योंकि अकासुकी वाले इसे कभी भी खरीद सकते हैं, तो जल्दी करें। हमारे पास सिलिकॉन से बने गेंदे हैं जिसको तुम स्ट्रेस दूर करने के लिए दबा सकते हो, और ऊपर से बड़ा सुरीला गाते भी है तो इन्हें दबाते दबाते सो जाना। अगर तुम्हें बिल्कुल सुडोल नहीं पसंद तो डोंट वरी, हमारे पास दूसरी वैरायटी भी है। हमारे पास ये चमगादड़ है जो अपना मुंह खोले रहता है, तो इसे तुम आराम से पानी बताशे खिला सकते हो। अगर बताशे खा के बोर हो गए और किसी दिन तुमको राज कचौड़ी खाने का मन हो तो ये दूसरा वाला तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। हमारे पास नीला शलजम है जिसे खाने के बाद तुम जहर हगोगे, तो अपने लेड़ को अब तुम किसी को भी खिला के मार सकते हैं, वैसे तो नॉर्मल लेड़ भी यही काम करती है। हमारे पास ये प्राणी है जिसकी हमेशा कुछ खाने के लिए लार चूती रहती है, लेकिन इसके हाथ इतने छोटे हैं कि अपने सर में रखे चार मोदक उतार के खा भी नहीं सकता। फिर ये प्राणी ने अपने सर में 5 स्लाइसेस वाला पिज्जा ही रख लिया। नारंगी केकड़ा है जिसके पिछवाड़े में मशरूम उगते हैं। एक कुबड़ केकड़ा है जिसका पूरा पिछवाड़ा ही मशरूम है। बैंगनी झुंझुना है, हमारे यहाँ चीयर लीडर्स इन्हें ही हाथों में लगा के ढूंढ ढुमकाती है। एक नॉर्मल सी तितली है, हर चीज में तुम्हें अजीब देंगे क्या? एक 2 इंच का लैंड है, ऑब्वियसली जिसे हिंदी में हम जमीन कहते हैं।
सॉफ्ट कोर पसंद करने वालों के लिए। फिर तीन अलग अलग साइजों का लैंड है। यहाँ वाले लैंड को भी हम हिंदी में जमीन कहते हैं। ये उनके लिए जिन्हें हर दिन अलग अलग रोल प्ले करना या फिर ओरजी। हमारे पास दो इच्छाधारी बिल्लियां हैं और दोनों के मध्य में मणि भी होंगी। आजकल स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से अच्छा है इनकी मणियों में इन्वेस्ट करिए। खाते पीते घर की बतख है, ये भी काफी डिमांड में है। सेरेडॉन के एड वाले से खरीदना चाहते हैं। एक ये शादीशुदा बतख है जो सिंदूर की जगह लाल बिंदी लगाने में विश्वास करता है। एक बंदर और सुअर की सबसे छोटी औलाद है। उसी बंदर और सुअर की बड़ी औलाद जिसके एक भी दोस्त नहीं है तो फ्रेंडशिप डे में अपने हाथ और पैरों में खुद फ्रेंडशिप बैंड लगा लेता है। हमारे पास काफी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन वाला शेर है जिसके छाती में भर के बाल आते हैं और अगर तुम काटोगे नहीं तो न जाने कहां कहां और बाल उग जाएंगे। एक पाउट करता टैडपोल है जिसके पेट में किसी हरामखोर बच्चे ने मारकर चला दिया। उसी मारकर चलाए बच्चे से बदला लेने के लिए भाई ने अपने हाथों में ग्लव्स पहन लिए। फिर कुछ साल की ट्रेनिंग के बाद उसने बॉडी बना ली, अब आखिर अपना बदला लेकर रहेगा। ये एक ब्रा है, मैं भी हैरान हूँ इस बात से, लड़की ऐसे आखिर पहनती कैसे होंगी। फिर ये चम्मच लेके चलता प्राणी है जो जहाँ भंडारा दिखेगा वहीं खिचड़ी चट कर जाएगा। लो भाई, ये एक ही भंडारे में दो प्लेट खिचड़ी खाने वाला है। हमारे पास वॉनबी जिम गाय है जो पूरा नंगा आता है लेकिन एक भी जगह के मसल्स में आज तक काम नहीं किया। इसकी चेस्ट इतनी एम्बेरसिंग है कि वो खुद उदास होकर अभी रो देगी। फिर हमारे पास एक बार मिस्टर इंडिया का खिताब जीता हुआ लौंडा है जिसके हाथों में पड़े ब्लेड के निशान से हम समझ सकते हैं कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में। फिर भाई ने इतनी बॉडी बना ली कि दो हाथों में उससे ज्यादा मसल्स नहीं आ सकते थे तो कुदरत ने इसके दो हाथ और उगा दिए। अब इसे कोई नहीं कह सकता कि दो हाथों से ही ताली बजती है। हमारे मेडिकल सेक्शन में इतनी वैरायटी है जितना मूड्स भी नहीं देते। बाकी एचएनएमए के शूटिंग के लिए इन दोनों पोकेमॉन्स को कई डायरेक्टर्स हायर करना चाहते हैं। ये देखो, कंकड़ पत्थर और पाषाण तक बॉडी बना ले रहे। व्हाट्स योर एक्सक्यूज नाउ? अगर तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो तो इन दोनों घोड़ियों को किराए पे ले जा सकते हो। 100% गारंटी देता हूँ कि बारात के बाद तुम्हारी सिर्फ अस्थियां बचेंगी और जिंदगी भर घुट घुट के जीने से बच जाओगे। बड़ी वाली घोड़ी अपने लिए ले लो, छोटी वाली अपने छोटे भाई के लिए। हमारे पास ये पोकेमॉन है जिसके घर में लाइफ बॉय यूज नहीं होता, फिर उसके पिछवाड़े में इसने काट लिया। जिंदगी में एडवेंचर आने से इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस गेंद ने अपनी एक आंख लगा ली, बालों की जगह मोटा स्क्रू लगा लिया, कान की जगह चुंबक लगा लिए और फिर उसे उतने छोटे से बदन में बूब्स भी चाहिए थे तो दो छोटे छोटे स्क्रूज लगा लिए। अब अपने तीनों भाइयों को बुला के मेगाजॉर्ड बना लिया। ये गणित तक ये बतख है जिसने गुलेल बनाया पर उसमें इलास्टिक लगाना भूल गया। हमारे पास जुड़वा शुतुरमुर्ग है जो छोटे में नंगे घूमते थे, फिर बड़े होने में जुड़वे से वो तिलवे हो गए और थोड़ी शर्म आ गई तो अब नीचे निकर भी पहने लगे हैं। हमारे पास ये जीभ निकालती सील है जिससे तुम्हें अब किसी भी सील में अपनी जीभ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसके विकसित रूप में तुमको वो जीभ भी नहीं मिलेगी तो इसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हम यहाँ पे जहरीले हस्त में थुन्नी पानी को भी जमा करते हैं। इनमें वो लाखों भय बच्चों की आत्मा है जो सबको हॉन्ट करती है। फिर खराब पेट के समय निचले मुंह से निकला पदार्थ भी रखते हैं, न जाने कब किसे दोबारा वापस जरूरत पड़ जाए। हमारे यहाँ इतना टेस्टी टाकोस है कि वो टाकोस खुद को एक बार लिख करना चाहता है। फिर एक महंगा वाला टाकोस है जिसके अंदर डेयरी मिल्क शॉट्स भी डाल दिया है। हमारे पास उड़ती पाद है जिसमें एक लेड़ का गोल वाला टुकड़ा रह गया था, मुंह नो छुआ है, और एक गुब्बारा है जिसने इतना ड्रग्स ले लिया कि इसकी आंखें पूरी गुलाबी हो चुकी है। हमारे पास स्टोन एज के दिनों फीमेल होमो सेपियंस द्वारा यूज किए जाने वाले टॉयज भी है। ये इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि उस समय खानों में मिलावट नहीं होती थी। हाफ पैंट में हाथी है, ये सुसाइडल प्राणी है जो हमेशा फंदा बांधे चलता है, जहां जगह मिलेगी वहां खुद को टांग लेगा। ये इतना सुसाइडल है कि एक दिन इसने पोलो खरीदा और उसे भी फंदे में लटका दिया। दो मामूली केकड़े, दो जेम्स के डब्बे, आधे दर्जन अंडे जिनमें से पांच चिटक गए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, मुही अनानस है और सारे के सारे बेवड़े हैं। ये प्राणी है जिसे सिर्फ हेडशॉट से डर लगता है। ये प्राणी है जो बचपन से नहाने जाता था लेकिन सिर्फ फेस वॉश करके निकलता था, इसलिए इसका सिर्फ चेहरा गोरा हुआ। सिर्फ हमारे यहाँ ऐसे चिकन लॉलीपॉप मिलता है जिसमें एक ही मुर्गी की तंगड़ी से दो टांग निकली हो। हमारे दोजो में भेड़ों की डंडाल भी लड़ती है। इतना ज्यादा ना सोचो, इस पोकेमोन को घर ले जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ हमेशा खुश रहेगी। हमारे पास कोरोना वायरस भी है, अगर इससे आपके दुश्मनों के फेफड़े ना रुके तो उसका सेकंड वेव भी रखा है। चार पैरों में गेंडा है और स्टैंडिंग गेंडा भी है, तुम्हें जो स्टाइल पसंद हो वो ले लो। किंडर जॉय भी बेचने लगे हैं, बासी नूडल्स की बॉल भी बना के रख ली थी। डोरेमोन का बाप है, एक भोपू है जिससे इतना बजा दिया कि अब वो गुस्सा हो गया है। इतराती मछलियां हैं, सितारा है, 69 के पोजीशन में चिपके दो सितारे हैं। इस वाले पोकेमोन से थोड़ा बच के रहना, घर की औरतों को ये काफी पसंद आता है। इस टिड्डे के एक्सप्रेशन से हम साफ बता सकते हैं कि इसने दुनिया देखी है। आजकल हम निकी मिनाज को भी बेचने लगे। पिकाचू और चारमेंडर के बड़े भाई जो गलत संगत में पड़ के ड्रगी हो गए थे, पिकाचू के बड़े भाई ने अपने अंडू तोड़ के सर पे लगा लिए और चारमेंडर के बड़े भाई ने अपना पिछवाड़ा जला के सर पे लगा लिया। हमारे पास फुदकता झिंगूर है, तीन पूछ वाला सांड है। वन पीस का काइडो ऑलरेडी पोकेमोन में काफी पहले कैमियो मार चुका था, यहाँ तक पोकेमोन में उसके डेविल फ्रूट का इनिशियल फॉर्म भी दिखाया गया है। ये खूबसूरत रिझाती स्माइल देती प्राणी है जो तुम्हें इस पे चढ़ने के लिए कह रही है, तो प्लीज राइड इट। थूका हुआ चिंगम है, ये बिल्ली है जिसकी गर्दन में दाढ़ी आती है और फिर उसके नीले पीले लाल बड़े भाई लोग। एक दिन कोई आदमी फटे पन्ने से एरोप्लेन बना रहा था और गलती से ये बन गया, तो तुम्हें चाहिए तो इसे भी ले जा सकते हो। हमारे पास दाढ़ी मूछे वाला घोंगा है, फिर कोई भी ट्रेनर अपने पोकेमोन की दाढ़ी मूछे ही नहीं बनाता है तो वो यहाँ भी काबू के बाहर चली गई है। हमारे पास चौकोस का एक दाना है
फिर इस प्राणी ने अपनी विकट वाली चड्डी सर पे पहन ली। नॉर्मल उड़ता हुआ डायनासोर है। चौराहे पे खुली दुकान के हलवाई भी यहाँ पाए जाते हैं। तुम्हें शादी में जरूरत पड़े इन्हें कॉल कर लेना। मिट्टू को फ्रीजर में रख दिया। फिर मिट्टू को ऐसा डराया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब मिट्टू की हमसे फायर हो गई है। जिस दिन हमने भिंडी खा के निकाला था, जिस दिन हमने चाउमीन खा के निकाला था, जब चारमेंटर ने 56 भोग खा लिया हो, जब तुम्हारा इतना लंबा हो कि लपेट के भी नहीं रख सकते, जब तुम्हें पैदा करने वाला डॉक्टर इतना आलसी था कि अमेरिकल कॉर्ड काटना भूल गया। जैसा कि मैं हमेशा एक्स्ट्रा कंटेंट देता हूँ, तो आज 150 की जगह शगुन के तौर पे 151 पोकेमॉन्स पे वीडियो बना दी। योर वेलकम, बाय।